नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र ज्योति। और मैं रेडियो जल मित्र विनय। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारे आज के जल योद्धा अशोक राठौर जी सूरत गुजरात से हैं। आप सीईओ अकाउंट सर्विसेज हैं। इसके अलावा अशोक जी रिसर्च डायरेक्टर एटसरा का रिसर्च इनकॉर्पोरेशन भी है। आज हम इनसे आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक राठौर जी। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल रेन हार्वेस्टिंग होती क्या है। जी जी बिल्कुल। ये सभी को पता है कि पानी घट रहा है और आने वाले सालों में ये पानी की एक बड़ी कमी के रूप में आएगी और ये बहुत बड़ा संकट बन जाएगी। इसलिए मानव उपयोग के लिए जल प्रबंधन के स्थायी तरीकों पर बात करना बेहद जरूरी है, जिनमें से एक तरीका है आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली अब बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है। ये किसी भी सतह पर गिरने वाला बारिश का पानी हो सकता है। इन दिनों रेन वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का अधिकतम उपयोग कृत्रिम तरीके से बरसाती पानी के संचय को सूचित करने में किया जाने लगा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर जैसे कलेक्शन टैंक, नए तालाब, चेक डैम, गैबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डैम, पार्कुलेशन टैंक जमीन के ऊपर या नीचे बनाए जाते हैं। संचित पानी को बाद में फिल्टर किया जाता है और फिर इस्तेमाल करने के लिए जमा किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण की एक प्रणाली है, जो कि इंडस्ट्री या शहरों की बिल्डिंग के रूफटॉप एरिया को पानी को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। रूफटॉप एरिया के ऊपर जो बारिश पड़ती है उसे पाइप के सहारे किसी टंकी में या किसी अंडरग्राउंड टैंक में एकत्रित करके उसे प्रयोग में लाया जाता है, जिससे वर्षा का पानी बर्बाद होने से बच जाता है और इंडस्ट्री में फ्रेश वाटर की खपत भी कम हो जाती है। बारिश को सीधे जमीन के नीचे संग्रह के काम को ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं। इसे छोटे तालाब, भूमिगत टैंक, बांध आदि के इस्तेमाल से जल संरक्षण किया जा सकता है। आर्टिफिशियल रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम एक नया तरीका है। इसे कुआं खोदकर, गड्ढा बनाकर या खाई हैंडपंप कुएं को दोबारा चार्ज करके भी किया जा सकता है। जी सर, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राकृतिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कैसे अलग है। जी बिल्कुल। पहले आपको भी सभी को ज्ञात है कि गांव, कस्बों या नगरों की सीमा पर या कहीं निचली सतह पर तालाब अवश्य होते थे। आज वो धीरे धीरे तालाब सूखे जा रहे हैं। पहले जो तालाब होते थे जिनमें स्वाभाविक रूप से मानसून की वर्षा का जल एकत्रित हो जाता था या जल पूरे गांव के पशुओं के लिए अन्य कामों में आता था। बरसात के मौसम में जब धरती पर पानी बरसता है तो उसका कुछ अंश धरती की गहराइयों में अपने आप उतर जाता है, कुछ भाग निचली सतह पर आकर इकट्ठा हो जाता है जैसे कि तालाब या झील में, या काम प्रकृति खुद करती है। तो इस तरह से बारिश का पानी उस एरिया के वाटर लेवल को भी नियंत्रित करता है और एकत्रित पानी जंगली जानवरों के काम में भी आता है। यही पानी आसपास के पेड़ पौधे भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप काम प्रकृति द्वारा संपन्न किया जाता है। इसे प्राकृतिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। प्राकृतिक तरीके से बनी हुई संरचनाएं जैसे तालाब, झील, जलाशय प्राकृतिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अंग है, जबकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में या इंडस्ट्री में मानव द्वारा बनाई गई संरचनाएं जैसे घरों में बारिश पानी के लिए टंकी, इंडस्ट्रीज में कलेक्शन टैंक आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका माना जाता है। और इस तरह से स्टोर्ड रेन वाटर को फिल्टर करके उपयोग में लाया जाता है, जिससे फ्रेश वाटर सप्लाई की डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है। रेन वाटर को फिल्टर करके पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज में इसे ग्रीन बेल्ट, डस्ट सेपरेशन, व्हीकल वॉशिंग, फ्लोर वॉशिंग, ड्रम वॉशिंग, कूलिंग टायर या बॉयलर में भी इस्तेमाल किया जाता है। सर, अभी तक इस फील्ड में, इस क्षेत्र में क्या क्या काम वैसे किए जा चुके हैं। जी, इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1986 का है, उसकी धारा 3/3 के तहत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया गया, जो कि राज्यों में स्थित इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर या माइनिंग प्रोजेक्ट को ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग का एक अनिवार्य प्रावधान किया गया है। यानी हर बिल्डिंग को, हर इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग करना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने
मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 जारी किया है, जिसमें लिखा है कि 100 मीटर वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट आकार वाली सभी इमारतों में रेन वाटर आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी बनाया गया है। दूसरा, मनरेगा में भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग शामिल है। भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक मॉडल विधेयक पारित किया है ताकि वे उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम हो सके, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान भी शामिल है। और अब तक 21 राज्यों ने भूजल कानून को अपनाया और लागू किया है। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत के 256 जिलों के जल संकट वाले ब्लॉक में ग्राउंड वाटर की स्थिति और वाटर अवेलेबिलिटी में सुधार करना था। विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से भूजल संसाधनों और सतही जल आधारित स्रोतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन 2019 लागू किया। इसके बाद CGWB द्वारा भूजल के आर्टिफिशियल रेन वाटर रिचार्जिंग के लिए एक मास्टर प्लान 2020 बनाया, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के विभिन्न इलाकों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाला मास्टर प्लान बनाया। इस मास्टर प्लान में लगभग 1.5 करोड़ आर्टिफिशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग स्ट्रक्चर का उपयोग करके लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश का पानी इकट्ठा करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय ने सभी जिलों के सभी ब्लॉक को कवर करने के लिए जल शक्ति अभियान, जिसको कैच द रेन बोलते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के साथ शुरू किया। यह अभियान 22 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा मैडम, भारत सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट के लिए अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना करी। ये पुरस्कार जल संचय और संरक्षण के सहित पानी के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा NGO को अच्छे काम के प्रयासों को मान्यता देने पर केंद्रित है। इसके अलावा कई राज्यों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर, गुजरात में सुलजाम सुफलाम अभियान, तेलंगाना में मिशन कार्तिकीय, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू, बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में जल ही जीवन है और तमिलनाडु में कुडिमार्थम योजना इत्यादि इत्यादि। तो इतना सब कुछ गवर्नमेंट तो कर ही रही है, और हम और आप, हम सब भी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि अशोक जी ने बताया। तो अशोक जी, हम एज अ कॉमनर, एक आम नागरिक के तौर पर भी पानी बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम पहले ये स्थानीय लेवल पे एक हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि पानी एक इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जिसको अगर हम नहीं आज नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाले 20 सालों में पानी ये अक्षुप नहीं होगी कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है, एक कमोडिटी है, जो बिना पानी के कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो बारिश का पानी है उसे अपने रूफटॉप एरिया को कहीं पाइप के स्ट्रक्चर के थ्रू हम कहीं इकट्ठा करें, टैंक बनाए, अंडरग्राउंड टैंक बनाए, और उस टैंक से उस पानी को फिल्टर करके, क्योंकि पानी जो है उसका टीडीएस बहुत कम है, 50 के अंदर होता है, यानी वो पानी पीने योग्य है, केवल उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है उनको फिल्टर करना है, उसके अलावा कोई भी प्रकार का उसमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राठौर जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, अपने अनुभव साझा किए और इतनी सारी बातें हमें ज्ञान की बताई, हमें बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और हम क्या कर सकते हैं। श्रोतो, ये थे अशोक राठौर जी, आपका शुक्रिया अशोक राठौर जी। और श्रोताओं, आपसे अब ये कहना चाहेंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें जरूर बताएं हमारे ईमेल आईडी पर मेल करके, और हमारा ईमेल आईडी है bknTL100@gmail.com। श्रोताओं, इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।